हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास मैजिक। आज हम बनाएंगे बाजार जैसी टेस्टी दानेदार और शुद्ध देसी घी के बचे हुए मावे से बनी मावा बेसन बर्फी। यदि आपको मेरी बताई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप बेसन, एक कप घी बनने के बाद बचा हुआ मावा। यदि आप मलाई से बने घी और मावे का वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एक कप मिल्क, आधा कटोरी शक्कर, एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े कटे हुए बादाम और कद्दू के बीज। सबसे पहले हम एक पैन में बेसन को डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर सेक लेंगे और चम्मच को कंटिन्यू घुमाते रहेंगे, नहीं तो बेसन जलने लगेगा। बेसन को हल्का गोल्डन कलर होने तक सेकना है। 2 मिनट में ये बेसन अच्छे से सेक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा और बेसन और मावा को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम सॉफ्ट होती है। जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। इस मिश्रण को 1-2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे ताकि शक्कर अच्छे से पिघल कर मिक्स हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और अब इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, ये बेसन मावा पैन को छोड़ने लगा है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे प्लेट में घी लगाकर डाल देंगे। और फिर इसे ड्राई फ्रूट से सजा देंगे। पंद्रह मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, तो इसके पीसेस काट लेंगे। हमारी मावा बेसन बर्फी बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में बहुत आसान है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।